के दिहाड़ीदारों से दिहाड़ियां लगाना ना मंजूर। महंगाई बम ना मंजूर। पेट्रोल बम ना मंजूर। आटा महंगा ना मंजूर। महंगाई तुसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इत्थां उंदी नुमाइंदगी भी करेंदे पे और सिविल सोसाइटी भी तुहाड़े नाल है, लेकिन मजेदार गल है कि जितने भी मुआहदे थन IMF नाल वो साबका हुकूमत दे हैं, मौजूदा हुकूमत तुसा की में मौजूदा हुकूमत ना मंजूर दे नारे लेंदे पे। ये हुकूमत ना मंजूर का नारा सिर्फ ही गलों लाया वेंदा पे कि इन्होंने इन्हें जो तमाम बजट है पिया जितने भी ये महंगाई करेंदे पैन ये उत्ते आखन दे उत्ते करेंदे पैन ये नवा हुकूमत सागो मंजूर करनी ई वजह करो सारे। लेकिन अगर पाकिस्तान को IMF पैसे ना देवे तो तुम्हारे को दूजा रास्ता क्या है? देखो जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी अदलिया के लोग हैं, जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं, जितने भी इन्हें को पेट्रोल की मद बिजली की मद तमाम रिलीफ दिते वे जबकि उनका सारा खमियाजा आवाम को भुगतना पौधे। अगर इतना ही पैकेज मंजूर करवाना जरूरी है और इन्हें दी तमाम तर जितनी भी सहूलियात इन्हें को खत्म किया वे और फौरी तौर के उत्ते एमरजेंसी नाफिज की वे जी कि मुआशी एमरजेंसी जितनी भी माइक्रो चीजों बिजली रिलीफ ये कितना परसेंट हो सी टोटल एक्सपेंडिचर था? एक्सपेंडिचर तकरीबन सालाना पैकेज है जड़ा करीब आवाम दे ग्रुप के लिए अगर इन्हें इतना अपनी जेबी जो करें अगर एक दर्जा 4 दा मुलाजिम दर्जा 7 दा मुलाजिम अपनी जेबी जो पेट्रोल और बिजली दे